ये आपके एक वोट की ताकत है कि आज भारत अपने सामने मौजूद चुनौतियों का डट करके मुकाबला कर रहा है। आप पिछले एक हफ्ते की घटनाओं को देख लीजिए। इस दौरान आसपास के देशों में कई बम फूटे। कल भी श्रीलंका में सीरियस बम ब्लास्ट हुए, सैकड़ों लोग मारे गए और वो भी ईस्टर के पवित्र दिन, जब चर्च में लोग इकट्ठे होकर के दिव्यात्मा की अनुभूति कर रहे थे, दिव्यात्मा में लीन थे, शांति का संदेश दे रहे थे, तब नर राक्षसों ने आकर के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका कोई गुनाह नहीं था, कोई दोष नहीं था, वे अपनी आस्था के अनुसार दिव्यात्मा का स्मरण करते हुए उसके रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे थे। साथियों, आप याद कीजिए, 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी। आए दिन देश के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे। कभी मुंबई में बम धमाका, कभी पुणे में बम धमाका, कभी हैदराबाद में बम धमाका, कभी काशी में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका होता था कि नहीं होता था। और तब यहां कांग्रेस और एनसीपी की सरकार और अपने बड़ा खैरखा मानने वाले लोग यहां बैठे थे सरकार में, बड़े अनुभवी बताने वाले थे। आपने जो मजबूत